दोस्तों, सदियों से कई लोग हमारे पृथ्वी ग्रह पर एलियन शिप्स और एलियंस को देखने का दावा करते आ रहे हैं, पर जब इन दावों को खंगाला जाता है तो इनमें से कई केसेस सिर्फ इंसानी इल्यूजन्स होते हैं, तो वहीं कुछ केसेस ने आज भी इंसानों को सोच में डाला हुआ है। और जब से हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों और खासकर मंगल ग्रह का करीबी से अध्ययन करना शुरू किया है, तब से हमें मंगल ग्रह के सरफेस पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रही हैं। कभी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो कभी इंसानों या दूसरे जीवों के चेहरे, तो कभी उसके सरफेस पर रेंगते विचित्र जीव। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक रोमांचक सफर पर, जहां हम मंगल ग्रह के सरफेस पर देखे गए अजीबोगरीब और विचित्र चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर पहले किसी एलियन सभ्यता का राज था या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। मार्शियन फेस। अमेरिकी स्पेस एजेंसी के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने 1976 के दौरान अपने सिस्टर शिप वाइकिंग 2 के सही लैंडिंग साइट को चुनने के लिए मंगल ग्रह के सरफेस की कई तस्वीरें ली और इन्हें धरती पर मौजूद नासा के इंजीनियर्स तक भेजी। इसी अध्ययन के दौरान वाइकिंग मिशन ने मंगल ग्रह के साइडोनिया रीजन में मौजूद एक रॉक फॉर्मेशन की भी तस्वीर ली, जिसमें उन्हें एक ह्यूमन फेस जैसी आकृति नजर आई। आप इस तस्वीर में किसी इंसानी फेस की तरह ही आंखें और मुंह साफ साफ देख सकते हैं। नासा ने कुछ दिनों बाद ही लोगों के सामने ये तस्वीर साझा की और लिखा कि मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद ये ह्यूज रॉक फॉर्मेशन किसी इंसानी सर के समान दिखाई देता है। भले ही नासा ने तस्वीर के सामने आने के तुरंत बाद ही इसे मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर करार कर दिया, पर दुनिया भर में मौजूद कई लोगों का मानना था कि ये फेस असल में मंगल ग्रह पर कभी राज करने वाले एलियन सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं। दुनिया के सामने आने के बाद ये तस्वीर कई सालों तक सुर्खियां बटोरती रहीं और जिसे लोग मंगल ग्रह पर एंशियंट लाइफ के सबूत के तौर पर पेश करते रहे, जिसके बाद नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट से इस स्ट्रक्चर की कई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली, जिससे ये साफ हो गया कि ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन था जो कि एक खास एंगल से आने वाले लाइट और शैडो की वजह से किसी इंसानी फेस के समान नजर आता है। मे बी अ बीटल। विलियम रोमोजर एक अमेरिकी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, जो कि इंसेक्ट और दूसरे एंथ्रोपॉड्स में वायरस का अध्ययन करते हैं। विलियम रोमोजर 2019 में उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने मंगल ग्रह के सरफेस पर बीटल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को देखने का दावा किया था। विलियम रोमोजर ने सालों तक मंगल ग्रह पर मौजूद मार्स रोवर्स द्वारा खींचे गए मार्शियन सरफेस और रॉक्स के फोटोग्राफ्स का करीबी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस और रॉक्स में कुछ ऐसी आकृतियां नजर आई जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले इंसेक्ट और रेप्टाइल से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। साथ ही उन्हें मंगल ग्रह पर कुछ ऐसी आकृतियां भी नजर आईं जो कि दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों के फॉसिल्स की तरह नजर आते थे। अध्ययन में विलियम ने कई फोटोग्राफ्स का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें कुछ में बीटल्स तो कुछ में उड़ने वाले इंसेक्ट्स नजर आए। ऐसे में उनका दावा था कि मंगल ग्रह पर पहले भी जीवन मौजूद था, वहां आज भी जीवन मौजूद है, और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास इन फोटोग्राफ्स के रूप में पुख्ता सबूत भी मौजूद है। पर दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने विलियम के इस दावे को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार ये दावे परेईडोलिया का नतीजा है, जिसके अंतर्गत हम इंसान किसी भी चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कभी बादलों में हमें कभी कोई जानवर नजर आ जाता है तो कभी किसी पत्थर में कोई चेहरा। ठीक उसी तरह विलियम को मंगल ग्रह के सरफेस के लो रिजोल्यूशन तस्वीरों में इस तरह के पैटर्न नजर आए जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमें मंगल ग्रह पर जीवन के असाधारण दावे करने हैं तो हमें वैसे ही बड़े एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। गांधी फेस। 2009 में गूगल ने गूगल मार्स लॉन्च किया, जो कि मंगल ग्रह के सरफेस का एक डिजिटल मैप है। इस मैप को लाल ग्रह के कई हजारों सैटेलाइट इमेजेस से मिलाकर बनाया गया है, जिसकी मदद से आप मंगल ग्रह के सरफेस के किसी भी हिस्से की तस्वीरें देख सकते हैं।
इसके लॉन्च के बाद से ही यूजर्स को मंगल ग्रह के सरफेस में कई तरह के रोचक आकृतियां और अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो गईं। 2011 में मट्टियो लन्नियो नाम के एक इटालियन मैन को भी मंगल ग्रह के सरफेस में एक ऐसी ही विचित्र आकृति नजर आई जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलती जुलती थी। आप इस तस्वीर में मंगल ग्रह के सरफेस में खींची गई महात्मा गांधी की तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह पर मिले इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी, पर क्या सच में मंगल ग्रह पर महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूद है या ये कोई इल्यूजन है? जब इसका अध्ययन किया गया तब सामने आया कि ये दरअसल मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद एक गड्ढा है जिसकी लो रिजोल्यूशन तस्वीर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई थी। लो रिजोल्यूशन इमेज होने के कारण ये गड्ढा बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह ही दिखाई दे रहा था, पर जब इसी सेम जगह की एक हाई रिजोल्यूशन तस्वीर नासा के मार्स रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई तब उसमें ये गड्ढा साफ नजर आता है जो कि महात्मा गांधी की तस्वीर से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ऐसे में ये साफ हो गया कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन था जो कि गूगल मार्स पर मौजूद लो रिजोल्यूशन इमेज की वजह से हुआ था। फीमेल स्टैच्यू ऑन मार्स। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर संभवतः मंगल ग्रह का सबसे लंबे समय तक अध्ययन करने वाले मिशन है जिन्होंने मंगल ग्रह के सरफेस, वेदर और वहां जीवन की संभावनाओं का कई सालों तक गहन अध्ययन किया। इसी दौरान 2007 में स्पिरिट रोवर ने मंगल ग्रह के ग्यूसेव क्रेटर में मौजूद होम प्लेट नामक जगह की पैनोरामिक तस्वीर ली। इस तस्वीर में आप मंगल ग्रह के सरफेस में लिटिल रॉक फॉर्मेशन को साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक खास आकृति सबसे अलग उभर के आती है जो कि किसी इंसान या बिगफुट की तरह नजर आती है। तस्वीर के सामने आने के बाद दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों का मानना था कि ये रॉक फॉर्मेशन दरअसल एक फीमेल फिगर है जिसका निर्माण एलियंस द्वारा किया गया है। वहीं कुछ का मानना था कि ये कोई रॉक फॉर्मेशन या स्टैच्यू नहीं बल्कि जिंदा एलियंस हो सकते हैं जो कि छुप कर मंगल ग्रह पर मौजूद है। हालांकि इस थ्योरी को सही साबित कर पाने के लिए उनके पास इस तस्वीर के अलावा कोई खास सबूत मौजूद नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे दूसरों की तरह ही एक मार्स इल्यूजन करार दिया। एलियन बेस ऑन मार्स। 2011 में एक YouTube वीडियो बेहद ही वायरल हुआ जिसमें एक सेल्फ डिस्क्राइब्ड आर्मचेयर एस्ट्रोनॉट ने मंगल ग्रह के सरफेस पर एक एलियन बेस ढूंढने का दावा किया जिसे बायोस्टेशन अल्फा नाम दिया गया। ये असल में मंगल ग्रह के सरफेस पर देखा गया एक मिस्टीरियस लीनियर स्ट्रक्चर था जिसका अनुमानित आकार 700 फीट लंबा और करीब 150 फीट चौड़ा था। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की खोज उस समय हुई जब एक व्यक्ति गूगल मार्स, जो कि मंगल ग्रह का एक ऑनलाइन मैप है, उसके जरिए मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन कर रहा था। अध्ययन के दौरान उसे मंगल ग्रह के सरफेस में एक विचित्र लीनियर स्ट्रक्चर नजर आया जिसे उसने एक सीक्रेट मार्स बेस करार दिया। साथ ही उसका कहना था कि मंगल ग्रह पर एलियन जीवन मौजूद है और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हमें इससे छुपा रही है। पर जब वैज्ञानिकों ने इस दावे का अध्ययन करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि असल में ये मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद कोई स्पेस स्टेशन या स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि कॉस्मिक रेज की वजह से स्पेस इमेजेस में होने वाला एक कॉमन एरर है। कॉस्मिक रेज दरअसल हमारे सूरज से निकलने वाले एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और जब ये पार्टिकल्स स्पेस में मौजूद ऑर्बिटर के कैमरास से गुजरते हैं तब वो इस तरह के इफेक्ट पैदा करते हैं, और जब इन रॉ इमेज फाइल्स को गूगल मार्स या दूसरी जगह में अपलोड करने के लिए दूसरे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस केस में भी यही हुआ था जब नासा का मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के ऑर्बिट से उसके सरफेस की तस्वीरें ले रहा था तो कॉस्मिक रेज की वजह से ये इफेक्ट पैदा हुआ जिसे आर्मचेयर एस्ट्रोनॉट ने एक मार्शियन बेस समझ लिया। मंगल ग्रह के सरफेस जियोग्राफी से ये साफ है कि आज से बिलियन सालों पहले यहाँ हमारे पृथ्वी की तरह ही लिक्विड वाटर और नदियां मौजूद थीं। ऐसे में काफी संभावना है कि इस दौरान इस ग्रह पर माइक्रोबियल लाइफ या कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ भी पनपा होगा, पर कुछ कारणों के चलते धीरे धीरे मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर गायब हो गया और वहां मौजूद लिक्विड वाटर स्पेस में उड़ गया और ये ग्रह आज की तरह बंजर और ठंडा हो गया।
मंगल ग्रह पर मौजूद हमारे ऑर्बिटर्स और रोवर्स लगातार मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के एंशियंट लाइफ के सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं, पर हमें अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था, या वहाँ आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।